नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई गल्फ देशों के बारे में और खास तौर से यूएई के बारे में। जी हाँ, एक लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आई है कि नशे से रिलेटेड, चाहे नशा किसी भी प्रकार का हो जो गल्फ देशों में बैन है। जी हाँ, जिसमें कोकीन, हेरोइन, गांजा भी आ जाता है भाई। गांजा हालांकि इंडिया में लोग पीते हैं और यूरोपीय देशों में तो सब में नशा होता ही है, गांजा नॉर्मल सा चल जाता है। यहाँ पे हम एक बंदे से के बारे में बात करेंगे। अमेरिकन बंदा था यूएसए का, जो बिजनेसमैन था, दुबई में उनका खुद का बिजनेस था, अमेरिका में गांजा पी के आया था और लेकिन दुबई में पकड़ा गया। उसके साथ क्या वाकया हुआ डिटेल से हम बात करेंगे और आप लोग भी भाई खास तौर से सुन लीजिए मेरी बात। आपको लगता है इंडिया से नशा करके जा रहे हैं, नशा आज किया है, टिकट आपकी 7 दिन बाद में है, दुबई में पहुंचे, उसके बावजूद भी आपके साथ दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, जेल भी हो सकती है। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले फेस को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अमेरिका का एक बिजनेसमैन, जी हाँ साथियों, पीटर नाम था उनका, वो अमेरिका में यूएसए में गांजा पीता था, पहले से स्मोकिंग कर रहा है। हालांकि उनको पता है कि गल्फ देशों में, यूएई में, दुबई में ये गांजा वगैरह दो, ये जो नशीली चीज़ें, ये अलाउ नहीं है, आप इसका सेवन नहीं कर सकते, नहीं पी सकते। हालांकि शराब वगैरह लोग पीते हैं, वो एक अलग इशू हो जाता है। ये बंदा क्या कि अमेरिका में आराम से गांजा पिया और वहाँ से फ्लाइट लेके दुबई पहुँच गया। दुबई में आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी अमेरिका में पी के आया तो भाई दिक्कत क्या हो सकती है। हाँ, साथ में लेके आता है तो तस्करी का मामला बनता है। आ गया, काम कर रहा था, 3-4 दिन बाद में उसके पेट में दर्द हुआ, जैसा कि उन्होंने बताया अपने बयान में। पेट में दर्द हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उनकी जाँच की, फिर यूरिन यानी पेशाब, यूरिन पेशाब की भी जाँच होती है। तो भाई पेशाब जाँच में ये साबित हो गया कि उसने कोई ना कोई नशा किया है। अब नशा किया तो पता लग गया। फिर अब यूएई में सिस्टम है भाई, आप नशा करके मान लीजिए आज किया है, 3 दिन बाद डॉक्टर के पास जाते हो कभी भी, तो ये जो नशे का जो कण है ना, ये बताते हैं कि 15 से 16 दिन 20 दिन तक आपकी बॉडी में एक्टिव रहते हैं। पता लग जाता है 15-20 दिन तक कि आपने नशा किया हुआ है। जी हाँ, तो जैसे डॉक्टर ने उनकी जांच की तो पता लगा कि बंदे ने नशा किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको सिस्टम को पता है भाई, डॉक्टर पुलिस को फ़ोन करते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर ने कर दिया पुलिस को फ़ोन, पुलिस आ गई, पुलिस ने आके उनसे पूछताछ की, उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके होटा, हालांकि उसने सफाई दी कि मैं यूएसए में गांजा पिया था, यूएसए में गांजा लीगल है, वहाँ पे आप गांजा पी सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, मैंने यहाँ कोई नहीं पिया, मैं यूएसए के नियम नहीं, मैं दुबई के नियम जानता हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके ऊपर मुकदमा चला दिया। जी हाँ, मुकदमा करके मैटर चला गया कोर्ट। हालांकि वो होटल में नज़रबंद है, उनको नज़रबंद रखा हुआ है, पुलिस ने गिरफ्तार करके, पुलिस की कस्टडी में है वो। अब कोर्ट का क्या फैसला आता है भाई, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। हालांकि सोचने की बात यह कि बंदे ने यूएसए में नशा किया था, दुबई में कोई नशा नहीं किया, अब ब्लड में नशा हो गया तो उसमें क्या हो सकता है भाई। लेकिन अब उम्मीद है कि कोर्ट इस बात को समझेगा, सज़ा नहीं मिलेगी, वो बंदा बरी हो जाएगा। लेकिन ये मुसीबत खड़ी हो गई ना एक तरीके से, पुलिस आई उसको और उसको नो फ्लाई की लिस्ट में वो डाल दिया, ये और बड़ी बात है। देखो, नो फ्लाई बैन कर दिया उसको, आप कितने समय के लिए किया ये हमें नहीं पता, लेकिन नशा करना बुरी बात है, इसका खामियाजा आपको 10 दिन बाद भी भुगतना पड़ सकता है। तो भाई वे देश, खास तौर से गल्फ देशों में जाने वाले लोग, आप चाहे किसी भी देश से जा रहे हैं, आप ये मत समझना कि हमने नशा आज किया है हम वहाँ चले जाएंगे, कल को आपको डॉक्टर को जाना पड़े तो ये दिक्कत आपके सामने आ सकती है। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, इस तरह की घटना आपके साथ न हो। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।